उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल हमको पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो बोला जा रहा है कि आयत की लंबाई को दोगुना किया जाए तथा चौड़ाई को तीन गुना किया जाए, तो तीन गुना कितना हो गया, छः गुनी। सिर्फ लिखना है आयत की लंबाई को दोगुना, चौड़ाई को तीन गुना, तो छः गुना हो गया। तो छः गुना मतलब हम आपको बताए थे कि 500% वृद्धि आपका, यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है। 500% आप लिखेंगे, 500% आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आपका आंसर क्या होगा, 500%। अगला सवाल पढ़ाएंगे, अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल यहाँ पर कहता है 325 गुना 8326 इकाई अंक ज्ञात करना। अगला सवाल चार नंबर सवाल है, 325 गुना 8326 गुना 9543 गुना 559 गुना 254। हमको पूछा जा रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक मतलब फर्स्ट अंक ज्ञात करना और कुछ नहीं करना। तो फर्स्ट अंक को लेके चलिए, 56 30। 30 मतलब क्या, 30 का इकाई अंक मतलब एक के अंक को लिखना है, इसको नहीं लेना है, छोड़ दिए। अब जीरो गुना कोई भी चीज़ को करते तो जीरो गुना जीरो जीरो होता है। अब जीरो गुना नौ जीरो होगा, जीरो गुना फोर जीरो होगा, इसलिए इकाई अंक कितना होगा, जीरो, यही आंसर हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट अंक को गुना करना और कुछ नहीं करना, फर्स्ट अंक को गुना करते हुए चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। चलिए अगला नंबर सवाल आइएगा, पाँच नंबर सवाल बोलता है कि यदि किसी संख्या को 20 से भाग देने पर शेषफल 8 आता है तो उसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए एक सेकंड की जरूरत है, आपको कुछ करना नहीं है। सवाल कहता है कि यदि किसी संख्या को 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल 8 आता है, तो उसी संख्या को 5 से भाग दीजिए तो शेषफल क्या होगा। जो शेष बचा है 8, बस उसी में सिर्फ 5 से भाग दे दीजिए। 5 से भाग देते हैं तो कितना हो गया, एक बार में कटेगा ये 5 हो गया, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, शेषफल 3 होगा। यानी कहने का मतलब आपका है कि जो शेषफल आ गया बस उसी में आपको भाग दे देना और कुछ करना नहीं है। किसी संख्या को 20 से भाग दिया तो शेषफल 8 आया, यही 8 में आपको 5 से भाग दे देना और आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। आंसर दूसरा नंबर सवाल आइएगा, 6 नंबर देखिएगा। सवाल बोलता है किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है तो उसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बस इसी शेषफल में 4 से भाग देते हैं, 4 × 8 हो गया, तो यहाँ पर आपका 0 बच गया, आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर 0 हो जाएगा, ऊपर वाला 3 हो गया, ये उत्तर हो गया। चलिए 7 नंबर आना है, 7 नंबर देखिए आपको कैसे बनाना है। 7 नंबर सवाल देखेंगे आप, 7 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, अगर ये 1 तो ये 5 हो गया, है मतलब कुछ नहीं, वर्तमान हो गया। उसके बाद आगे बोला जा रहा है तो पुत्र की आयु क्या होगी यदि दोनों की आयु का योग 120 है। हमको पूछता है बेटा की आयु क्या होगी यदि दोनों की आयु का योग 120 है। जो डिजिट का वैल्यू देगा उसी में आपको काम करना। दोनों का योगफल 120 है, दोनों के योगफल कितना, 6। 6 कलम का दाम 120 रुपया, एक कलम का दाम आप निकालिएगा, 120 × 6 हो गया कितना, 20। तो हमको पूछा जा रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र का वैल्यू तो एक ही है ना, तो एक में हमने निकाला 20 हो गया, बस यही तो आंसर हो जाएगा 20, और कुछ करना नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा, ये आंसर। हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी तत्काल इस तरह से हम समझा रहे हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। अगले सवाल पर बढ़िएगा, 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल देखेंगे आप। 8 नंबर सवाल कहता है यदि माता की आयु बेटी की आयु का 6 गुनी है। माता की आयु बेटी की आयु के 6 गुनी, अगर ये 1 तो ये 6 हो गया, है मतलब वर्तमान इसमें डाल दिए। उसके आगे बोला यदि माता की आयु 60 हो तो माता का वैल्यू कितना, 6। माता के बारे में बोला 60 है तो माता को तुरंत बुलाते 6। 6 कलम का दाम 60 रुपया, तो एक कलम का दाम आप बोलेंगे 10 रुपया होगा। तो आंसर पूछा जा रहा है 2 वर्ष, यहाँ पर बोला जाए 2 वर्ष पुत्री की आयु क्या होगी। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर होना चाहिए 2 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी, यह होना चाहिए, बाद छूट गया है, बाद को जोड़ देना है कि 2 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी, यानी बेटी की आयु कितनी होगी। तो बेटी तो 1 है तो 1 में तो निकाल लिए, लेकिन ये वर्तमान में उम्र 10 आया, लेकिन हमको पूछा जा रहा है कि 2 साल के बाद कितना होगा,
अभी आपका उम्र मान लिया जाए 10 साल का है तो 2 साल के बाद कितने हो जाएंगे आप, 12 हो जाएंगे, यानी 2 इसमें जोड़ना पड़ेगा, इसलिए आपका आंसर 12 हो जाएगा। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, आगे पीछे वीडियो करके आप देख लेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अगला नंबर सवाल आइएगा, 9 नंबर सवाल देखते हैं किस प्रकार से बनाना है। देखिए यह सवाल कहता है कि रिक्त महत्तम समवर्तक क्या होगा, तो महत्तम समवर्तक ज्ञात करने के लिए ऊपर का महत्तम निकालना पड़ेगा। महत्तम मतलब कॉमन, तो ऊपर में देख लीजिए कि कॉमन आपको देख रहा है 7 इसमें भी, 7 इसमें भी, 7 इसमें भी, तो 7 हो गया। और नीचे का लघुत्तम, तो नीचे का आप लघुत्तम निकाल लीजिए, तो 9, 15 और 10 का लघुत्तम समवर्तक निकालना है, 9, 15 और 10। तो इसको 3 से कटा सकते हैं, 3 3 9, 3 5 15, अब ये 10 हो गया। अब उसके 5 से काटेगा, 3, 5 1 5, 5 2 9 10, 3 5 15 15 3 45, तो आपका यहाँ पर 45 2 9 90, तो 90 हो जाएगा, 5 3 15 15 3 45, 45 2 9 90, यानी लघुत्तम समावर्तक 90 हो गया। तो यही तो आपका महत्तम समावर्तक होगा, क्योंकि हम बताए थे आपको कि जो बोलेगा उसका ऊपर वाला वही ज्ञात करना, लघुत्तम बोलेगा तो ऊपर का लघुत्तम, नीचे का महत्तम, महत्तम बोलेगा तो ऊपर का महत्तम, नीचे का लघुत्तम, बस यही आपका आंसर होता है और कुछ नहीं होता है। तो 7/90 बी नंबर आंसर है, तो बी नंबर आप आंसर लिख सकते हैं। अगले नंबर सवाल पर आइए, अगले नंबर सवाल 10 नंबर पर, 10 नंबर सवाल को देखिएगा आप कि 10 नंबर सवाल आपको कैसे बनाना है। 10 नंबर सवाल कहता है 2/5 कोमा 4/10 कोमा 8/20 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, ऊपर का लघुत्तम ज्ञात कीजिए, 2 4 8 का लघुत्तम कितना 8, और नीचे का महत्तम, तो महत्तम 5 10 20 का, महत्तम मतलब कॉमन, महत्तम मतलब कॉमन होता है, तो 5 हो गया कॉमन सभी में, तो 5 महत्तम हो गया, 8/5 आंसर हो गया, यह उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल पर आइएगा, अगले नंबर सवाल आपको बनाना है 11 नंबर सवाल, 10 नंबर तो हो गया ना, हाँ 11 नंबर सवाल आपको बनाना है। यह सवाल को देखना है आपको, यह सवाल आपको कैसे बनाना है, यह सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ 0.188 पर रेकरिंग है, तो इसको बनाने के लिए जो डिजिट है उसको लिख लीजिए, ठीक है। लिखने के बाद रेकरिंग छोड़कर जो आम इमली कटहल बचा है उसको घटा लीजिए, रेकरिंग छोड़कर एक बचा है एक घटा लेते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रेकरिंग जितने अंक पर होता है उतना 9 होता है, तो एक अंक पर रेकरिंग है, एक अंक लिख दिए 9। अब रेकरिंग छोड़कर, रेकरिंग छोड़कर जितना डिजिट रहे उतना 0 इस 9 पर डाल दीजिए, रेकरिंग एक अंक के लिए 9 हो गया, उसके बाद एक यहाँ बचा हुआ है, तो एक यहाँ बचा हुआ है, तो एक अंक के लिए 1 0 होगा, तो यहाँ पर 0 डाल देते, तो आपका आंसर हो जाएगा 17/90, बस ये उत्तर हो जाएगा, यही आंसर होगा। फिर से सुन लीजिएगा, हमने बोला कि जो डिजिट दिया है उसको लिखिएगा, उसका रेकरिंग छोड़कर जितना डिजिट बचल है उसको घटा लीजिए, और बटा में रेकरिंग के लिए एक अंक के लिए 1 9, 2 अंक के लिए 2 9, और जितना अंक रेकरिंग छोड़कर होगा उतना 0 इस पर डाल दीजिए, सॉल्यूशन कर दिया, आंसर हो जाए। आपका आंसर कितना होगा, 17/90। अगला सवाल 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर सवाल आपको बनाना कैसे, इसको मिटा देते हैं। 12 नंबर सवाल देखिएगा आप, 12 नंबर सवाल बोलता है 0.576, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, 12 नंबर सवाल है 0.576, रेकरिंग सिर्फ यहाँ पर है 6 पर है। इसको बनाने के लिए कारण क्या है, 576 लिख दिए, 576 में 57 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि रेकरिंग छोड़कर 57 बचा हुआ है, 57 को घटा दिया, घटाने के बाद देखिएगा ध्यान से, एक अंक पर रेकरिंग है, एक अंक के लिए 9 लिख दिए, और रेकरिंग के बाद 2 अंक छुटा है, 2 अंक के लिए 00 हो गए, बस इसी को घटाना और कुछ करना नहीं है। तो देखिए यहाँ 16 में से 7 गया 9, यहाँ बच गया 6 में से 5 गया 1, यानी 519/900 आपका किस ऑप्शन में है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, यह उत्तर होगा, यही आंसर होगा, और कुछ करना नहीं है। अगले नंबर सवाल पर बढ़िएगा, अगला नंबर सवाल है 13 नंबर, 13 नंबर सवाल को देखिएगा ध्यान से, 13 नंबर सवाल बोलता है 0.333 इन्फिनिटिव तक गया है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है रेकरिंग बैठाना, 13 नंबर सवाल आपका है 0.3333 इन्फिनिटिव तक, इसको लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3/9, 3/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/3, क्या ये लिख सकते हैं ना, 1/3 हो गया, तो 1/3 यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, और कुछ करना नहीं है, यही आंसर बन जाएगा, 1/3 आपका आंसर हो गया। अगला सवाल आइएगा, 14 नंबर सवाल को देखिएगा ध्यान से, 14 नंबर सवाल कैसे आपको बनाना है,
14 नंबर सवाल है, पावर अलग अलग है लेकिन हमको पूछता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है ये आपको पता करना है। 14 नंबर सवाल यहाँ पर देखना है, 2 पर पावर 60, 3 पर पावर 48, 4 पर पावर 36, 5 पर पावर 24। तो इसमें आपको ट्राई करना है कि 5 पर पावर 24, हाँ सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन है। इसको करने के लिए सबका पावर एक तरह करना पड़ेगा, पावर को एक तरह कीजिएगा तब आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 48 है और यहाँ पर 13 है, 36 है, यहाँ पर 24 है। तो सब में कॉमन तो 12 आ रहा है ना, तो 12 आ रहा है तो 2 पर पावर 5, इस पर पावर 12 हम लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 12 कॉमन है तो 3 पर पावर 12 यहाँ ऊपर ले लिए, अब 48 पुराना है, 12 चौक 48 यहाँ 4 दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 4 36 है, इसके ऊपर पर 36 दे दिए, सॉरी 36 है ना, 12 इसके ऊपर पर दे दिए, 12 या 36 3 हो गया। यहाँ पर देखते हैं 5 पर पावर, इसके ऊपर 12 दे दिए, यहाँ पर 2 दे दिए, यानी दोनों को गुना किए तो 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 12 या 36 और 12 दूना 24, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इसको करना क्या है, 2 पर पावर 5 को लिखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 हो गया ना, तो 32 पर पावर 12 लिख सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए 3 पर पावर 4, तो 3 पर पावर 4 को 81 पर पावर 12 लिख सकते हैं, 4 पर पावर 3, 4 चौक 16 चौके 64 पर पावर 12 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 25 पर पावर 12 लिख सकते हैं, क्या यहाँ तक आ सकते हैं। हमने क्या किया कि सभी के पावर को समान हमने कर दिया, पावर को समान करने के बाद उसको हल कर लिया, हल करने के बाद ये आया। तो सबसे पहले हमको पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर बड़ा पूछे हो राइन, हाँ बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, तो देखिए सबका पावर यदि बराबर है तो जो बड़ा डिजिट होगा वही बड़ा होगा, तो 81 सबसे ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 48 सबसे बड़ा होगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। तो सबसे बड़ा क्या होगा, 3 पर पावर 48, यही आंसर हो गया। अगले नंबर सवाल पर आइएगा, 15 नंबर, 2 पर पावर 2 उस पर पावर 10, तो 2 पर पावर 20 हो जाएगा, क्योंकि पावर पर पावर जब रहता है तो वो गुना में हो जाता है, गुना कर देते हैं और कुछ करना नहीं होता है। इसको लिख सकते हैं आप 2 पर पावर 2 इस पर पावर 10, तो हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 20, यही आंसर हो गया और कुछ करना नहीं है, पावर पर पावर रहता है गुना होता है। 16 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसको याद रखना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसको सोचना ही नहीं है, 2 आंसर होता है, इसको रट लेना। अगले सवाल पर आइए, 17 नंबर, 17 नंबर सवाल देखिएगा आपको कैसे बनाना है, 17 नंबर सवाल को बस एक सेकंड में बना सकते हैं, सवाल लगता है कि बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, 147 गुना 147 प्लस 147 गुना 143 प्लस 143 गुना 143। अब यहाँ पर आपका है 147 गुना 147 गुना 147 माइनस 143 गुना 143 गुना 143। तो इसका सॉल्यूशन करना, देखिएगा ध्यान देना है, ये एक क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र पर जाता है, एक क्यू माइनस बी क्यू लिखा है ना, यानी ये तीन बार लिखा है, ये तीन बार लिखा है, तो जहाँ पर ये लिखा होगा ऊपर साफ कर दो, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर ख़त्म, एक बटा लिखने का तरीका देखना। तो यहाँ पर सिर्फ सूत्र उत्र का प्रयोग नहीं करना, जो लिखा है डिजिट उसको लिख लेता, 147 बीच में माइनस है, माइनस कर दिए, 143 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करना है तो 1/4 हो जाएगा, बस लिख लेना 1/4 आंसर, और कुछ नहीं करना, 1/4, यानी आपको करना क्या है, जहाँ पर क्यूब रहे वहाँ पर पहुँचिए, उसका डिजिट सिर्फ निकाल लीजिए, ऊपर सबको साफ कर दिए, वो बैठा ही रहता है, एक क्यू प्लस बी क्यू या एक क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र पर बैठा रहता है, विशेष हम क्लास में चर्चा करेंगे, ये टेस्ट वाला सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना है कि बस पूरा साफ कर दिए, ऊपर जो है एक हो गया, जो जहाँ पर क्यूब वाला फॉर्म है उसको सिर्फ लिख दिए, आपका आंसर हो जाएगा और कुछ करना नहीं। अगले सवाल पर आइए, 18 नंबर, 18 नंबर सवाल देखिएगा कि आपको कैसे बनाना है 18 नंबर सवाल, सेम उसी प्रकार से करना है कि क्यूब देखिए, क्यूब ऊपर पर लिखा है, 18 नंबर सवाल है 458 गुना 458 गुना 458
माइनस 239 गुना 239 फिर 239, उसके बाद लिखा 458 गुना 458 प्लस है यहाँ पर प्लस 239 गुना 239 प्लस 458 गुना 239। देखिए 458 हाँ 458 239। देखिए यहाँ पर क्यूब ऊपर पर है ना, क्यूब यहाँ पर है तो नीचे को छोड़ दिए, ऊपर पर ही लिख लीजिए 458 और 239। बस इसका सॉल्यूशन करना और कुछ करना नहीं, माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। 8 में से 18 में से 9 गया 9, यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, 219। बस ये 219 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यही आंसर हो गया और कुछ करना नहीं है। अगले नंबर सवाल पर आइएगा, अगला नंबर सवाल बनाते हैं हम। अगला नंबर सवाल है ए बटा तीन, ध्यान देना है। अगला नंबर सवाल है ए बटा तीन, बी बटा फोर, सी बटा सेवन, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा सी, इसको इसका सॉल्यूशन करना, इसको कैसे बनाते हैं ध्यान देना। 19 नंबर सवाल, ए बटा तीन बराबर बी बटा चार बराबर सी बटा सात, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा सी, इसको बनाना है। ए के नीचे इसको अनुपात में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अगर पूछता तो इसी में सिर्फ करना क्या होता है, जो नीचे में लिखा है वही अनुपात होता है, 3 4 7 ये अनुपात में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अनुपात में हम पढ़ाएंगे आपको कि जब बटा के फॉर्म में रहे और बीच में बराबर रहे तो इसको अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए जो नीचे लिखा रहता है वही अनुपात होता है। अब उसके बाद ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 7 या पुट कर दिए, यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 7 बटा 7, 4 3 7 7 14, 14 बटा 7 इक्वल टू कितना होगा 2, बस यही आंसर हो जाएगा 2, आपका आंसर हो गया 2 और कुछ करने की जरूरत है। 20 नंबर सवाल देखिएगा, 20 नंबर सवाल बोलता है x बटा 5 बराबर y बटा 4 बराबर z बटा 3, तो हमको पूछा जा रहा है कि x अनुपात y अनुपात z, अभी तुरंत हम बोले जो नीचे में रहता वही अनुपात होता है, तो आप लिख सकते हैं 5 अनुपात 4 अनुपात 3, बस यही आंसर हो जाएगा, जो नीचे लिखा रहेगा वही अनुपात होता है और कुछ करने की जरूरत नहीं, वही आपका आंसर हो गया। अगले सवाल पर आइएगा, 22 नंबर सवाल है आपका, 21 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से, बस अनुपात करना है, 2 3 2 4 7 आंसर हो जाएगा, अनुपात ही पूछना है ना। 21 नंबर सवाल पूछता है ए बटा 2 बी बटा 4 और सी बटा 7, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2 4 7 आपका आंसर हो जाएगा। सवाल ये कह रहा है 21 नंबर सवाल, ए बटा 2 बराबर बी बटा 4 बराबर सी बटा 7, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 2 अनुपात 4 अनुपात 7 लिख दिए, नीचे जो लिखा हुआ वही लिख दिया, आंसर हो गया। अगले सवाल 22 नंबर आएंगे, 22 नंबर सवाल बोलता है x बटा 5 बराबर y बटा 8, तो x प्लस 5 y प्लस 8, कुछ नहीं करना, नीचे वाला उसका वैल्यू होता है, तो x बराबर 5 यहाँ रखिएगा, y बराबर 8 रखिएगा, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं 10 बटा 16 5 बटा 8, बस यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा और कुछ नहीं करना, वैल्यू सिर्फ रखना उठा के और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगले सवाल पर आइएगा, अगला नंबर सवाल है 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल कैसे बनाना है, अच्छा 23 नंबर भी सवाल है ना, चलिए 23 नंबर हम आते हैं, 23 नंबर देखिएगा, नीचे में रहेगा तो उसका वैल्यू है, सामने सामने रहेगा तो उसका भी वैल्यू है, यहाँ पर बोलता है 23 ए बटा बी बराबर 6 बटा 7, तो हमको बनाना है ए प्लस 2 बी बटा ए माइनस 3 बी, ए के सामने 6 और बी के सामने 7, उठा कर रख दीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे क्या, ए के सामने 6 प्लस बी के सामने 2 बी, तो बी के सामने 7, यहाँ बी का वैल्यू 7 है, रख दिए, ए के लिए 6 और 3 गुना 7 लिख सकते हैं, 6 प्लस 14 6 माइनस 21, क्या यही होगा ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 14 6 20, अब ये 15 15 6 21 होगा, माइनस में होगा 5 6 20 5 3 15, तो माइनस 4 बटा 3 आपका यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, माइनस 4 बटा 3 बी नंबर ऑप्शन है, यही आंसर होगा। सिर्फ ध्यान देना है कि आपको पुट करना है, सामने सामने वाला जो वैल्यू है जो डिजिट है उसको पुट कीजिए, आपका आंसर होगा। 24 नंबर आइएगा, 24 नंबर समझिएगा, एक बार वीडियो आगे पीछे करके जरूर देख लेंगे तब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अगला नंबर सवाल है 24 नंबर, एक्स बटा वाई बराबर 1 बटा 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
बस एक्स का वैल्यू एक और वाई का वैल्यू तीन रखिए, तीन एक रखेंगे यहाँ, एक का स्क्वायर एक, तीन का स्क्वायर नौ, एक का वैल्यू एक, तीन का स्क्वायर नौ, तो यहाँ दस बटा क्या होगा माइनस आठ, इसको पाँच बटा चार लिख सकते हैं, माइनस पाँच बटा चार, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, माइनस पाँच बटा चार आंसर होगा। अगला नंबर सवाल 25, 25 नंबर सवाल आएंगे, 25 नंबर सवाल को देखिएगा। आर ए एच यू एल, उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ रहा होगा। आप सभी जो है थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मेरा कोऑपरेट कीजिए कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट है तो उसको क्लास में लाइए, दो चार पाँच दिन क्लास करेगा, फिर उसके बाद समझ में आएगा तब एडमिशन कराएगा, एडमिशन के लिए अभी सोचना नहीं है। लिखा हुआ राहुल, 25 नंबर सवाल है, आर ए एच यू एल, राहुल को लिखा गया है क्यू जेड जी टी के। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं, आर का नंबर 18, एक का नंबर एक, ये 8, 21, 12, 17, 26, 7, 20, 11, 18 से 17 हुआ एक घटा, एक में एक घटा 26 होगा, एक में एक घटेगा 0, 0 लेटर 26 का होता है, इसको याद रखना। 8 में से एक घटा 7, 21 में से एक घटा 20, 12 में से एक घटा 11, यानी एक एक घट रहा है, तो आपको किसको लिखना है, मैन, एम ए एन, एम का नंबर 13, 13 में से एक जाएगा 12, 12 लेटर एल, एक नंबर एक, एक में एक घटेगा 0, 0 लेटर जेड का होता है, 14, 14 में से एक गया कितना 13, 13 लेटर एम हो जाएगा, एल जेड हम आंसर हो गया, यह उत्तर होगा, यही आंसर होगा, एल जेड हम, एल जेड हम, ए नंबर आंसर है, ए नंबर आंसर होगा, समझ में आ चुका होगा। चलते अगले नंबर सवाल पर, अगला नंबर सवाल है 26। देखिए स्पीड में हमको इसीलिए चलना पड़ता है क्योंकि सवाल की संख्या ज़्यादा होती है, और क्लास में हम आपको बता चुके हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, सिर्फ ध्यान से आप देखते रहिए। पी ए एन, 26 नंबर सवाल है, वीडियो को रोक के एक बार आगे पीछे करके देख सकते हैं, पी ए एन को लिखा गया है एन वाई एल। देखिए एन वाई एल लिखा गया तो इसको सोचना पड़ेगा, ये 16, ये 1, ये 14, ये 16, ये 25, ये 12, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना है कि 16 ये होगा कितना, 14 होगा ना, एन का नंबर 14 होता है, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या किया गया है, यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा हमको क्या किया गया है, तो यहाँ 16, 16 से 14 हुआ तो माइनस 2 हुआ, अब 1 से 26 हुआ तो 1 में नहीं पता चल रहा है कि 1 से 25 हो गया तो क्या हुआ, तो इसमें 26 जोड़ के घटाइए, 26 से 27, 27 में कितना घटा होगा कि 25 आ गया होगा तो माइनस 2, 14 में से 2 घटा तभी तो 12 आया, यानी दो दो घट रहा है, तो दो दो घटा है तो हमको करना है टी ए पी, टी का नंबर 20, 20 में दो घटेगा कितना होगा, 20 में दो घटेगा 18, 18 में लेटर आल, एक का नंबर 1, 1 में दो घटाना है तो नहीं घटेगा, तो इसमें 26 ऐड करके घटाइए, 26 एक कितना 27, 27 में दो घटेगा 25, 25 में लेटर वाई, वाई लिख दिए, पी का मान 16, 16 में दो घटेगा 14, 14 में लेटर एन हो जाएगा आंसर, नहीं तो पी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखिए पी का वैल्यू एन है तो एन लिख लीजिए, अब ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, वाई, वाई लिख लिए, टी का वैल्यू दो घटा दिए, आपका आंसर आर हो जाएगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। अगले नंबर सवाल पर आएंगे, अगला नंबर सवाल देखिएगा, अगला नंबर सवाल यहाँ पर कहता है रमेश, आर ए एम ई एस एच, ध्यान से देखिएगा, आर ए एम ई एस एच, 27 नंबर सवाल है, 27 नंबर सवाल है आर ए एम ई एस एच, इसको लिखा गया 8195131118, ये लिखा हुआ है, आर का नंबर 18, आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, ये 13, ये 5, ये 19, ये 8, तो देखिए क्या किया गया है, पीछे से उल्टा दिया गया, 8, 19, 5, 13, उसके बाद फिर कितना लिख दिया, 1, उसका 18, यानी पीछे का नंबरिंग जो है ना हूबहू लिख दिया गया, तो आपको भी लिखना है एस ए पी, इसको लिखना है, पी का नंबर 16 तो 16 लिख दिए, ए का नंबर 1 तो 1 लिख दिए, एस का नंबर 19 तो 19 लिख दिए, यानी 16 1 19 आपका आंसर हो, ये उत्तर हो जाएगा, 16 1 19 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर समझने का प्रयास करेंगे, 28 नंबर देखिएगा, ध्यान से देखिए 28 नंबर सवाल, आप क्या 28 नंबर सवाल बनाना कैसे, 28 नंबर सवाल यहां पर है आर एम पी,
को लिखा गया 957, तो आपको लिखना है MUK, तो आपको लिखना है MUK। तो सवाल को पकड़िए कि R का नंबर 18, M का नंबर 13, P का नंबर 16, 9 कैसे आया, ये दोनों का जोड़ दिए तभी तो 9 आया होगा ना, 5 कैसे आया, तो यहाँ पर 5 नहीं 4 होगा, ये 13 है ना, ये गलती से लिखा गया, ये 4 होना चाहिए। देखिए 617, यानी दोनों डिजिट को जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर 13 हो गया, 21 हो गया, 11 हो गया, 314 हो गया, 213 हो गया, 112, 432 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका ये गलती से लिखा गया था, यहाँ 4 होना चाहिए, 4 कर लीजिएगा, 5 के स्थान पर 4 कर लेंगे। 29 नंबर सवाल आएंगे, 29 नंबर सवाल समझने का प्रयास करेंगे, 29 नंबर आइए। देखिए कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और स्पीड में हम चलते हैं, नहीं चलेंगे स्पीड में तो फिर सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए POCKET, इसको लिखा गया POCKET, इसको लिखा गया 25, 23, 67। हमको सोचना है P का नंबर 16, O का नंबर कितना 15, ये 3, 11, 5, 20। अब देखिए इसको क्या किया गया होगा कि 25 से लिखा, तो 25 से लिखा तो सोचना पड़ेगा। देखिए पीछे वाला अगर हम दोनों डिजिट को जोड़ देते हैं तो 2 आता है, तो 2 यहाँ लिख दिया, या 5 का 5 सिंगल डिजिट लिखा, 112 पीछे से लिख दिया, या 3 का 3 हो गया, 516 हो गया पीछे से लिख दिया, 617 हो गया पीछे से लिखा, यानी पीछे से डबल को सिंगल किया और सिंगल को सिंगल ही रहने दिया। तो हमको लिखना है CROP, तो P का नंबर 16 के लिए कितना 7 होगा, यहाँ पर देखिए 3, 18, 15, 16। अब यहाँ पर 516, 819, 3 का 3 है, तो 7693 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा 7693। अगले नंबर सवाल आइए, 30 नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा, सभी को ध्यान से देखेंगे, और आज रात में 8:30 से आपका ऑनलाइन क्लास चलेगा, तो जो मित्र सखा बंधु आना चाहते हैं आ सकते हैं, सभी के लिए फ्री सेवा है। रिवीजन क्लास चलेगा, रिवीजन क्लास आप आके कर सकते हैं, रिवीजन क्लास में आप आ सकते हैं। 30 नंबर सवाल कहता है, यदि किसी महीने की 25 तारीख को बुधवार हो, 25 तारीख को बुधवार हो तो हमको बताना है, तो उसी महीने के 10 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप याद रखेंगे 7, 14, 21, 28, ये किसी भी डेट में आप जोड़िए चाहे घटाइए वही दिन का रिपीटेशन होगा। 7, 14, 21, 28, यानी 7 का गुणज, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 का गुणज आप जोड़ती है या घटाइए वही दिन का रिपीट होगा। हमको 10 पास पहुंचना है तो किस क्या घटा दे कि 10 के करीब आ जाए। अगर हम 14 घटाते हैं 25 में हम 14 घटाते हैं तो यहाँ पर 11 आता है, तो 11 तारीख है बुधवार होगा। अब हमको 10 पास पहुंचना है तो बुधवार के पीछे आना पड़ेगा ना, तो बुधवार के पीछे क्या होगा मंगलवार, बस यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा, और कुछ करना नहीं, मंगलवार आंसर हो गया, समझ में आ गया, मंगलवार आंसर होगा। 7, 14, 21, 28 को कोई भी डेट में जोड़िए या घटाइए वही दिन रिपीट करेगा, और कुछ करना नहीं है। अगले नंबर सवाल पर बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिएगा 31 नंबर सवाल कहता है, यदि किसी महीने की 28 तारीख को रविवार हो, 28 तारीख को रविवार हो गया तो हमको बताना है कि उस महीने की शुरुआत किस तारीख से हुआ था। शुरुआत मतलब एक तारीख लाने के लिए क्या 28 है, इसमें हम घटा देते हैं 0 तारीख रविवार हो जाएगा, 0 तारीख रविवार, तो एक तारीख क्या हो जाएगा रविवार के आगे क्या सोमवार हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे 7, 14, 21, 28 यह डेट को किसी भी डेट में आप घटा दीजिएगा वही दिन रिपीट करेगा। ये 0 आ गया तो 0 से घबराना नहीं है, 0 तारीख भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं, 0 तारीख भी चलेगा। अगले नंबर सवाल आइएगा 32 नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी महीने के 2 तारीख को सोमवार हो तो उस महीने की 17 तारीख को कौन सा दिन था। 2 तारीख को सोमवार तो हमको बताना है 17 तारीख, तो 2 में कितना हम जोड़े कि 17 के करीब पहुंच जाए। आप बोलेंगे 14 जोड़ दिए, 14 जोड़ेंगे 16 तारीख के सोमवार हो गया, जब 16 तारीख सोमवार हो गया तो 17 तारीख क्या होगा मंगल, यही दंगल आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बढ़ते 33 नंबर ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे 33 नंबर सवाल कैसे बनाना है। देखिए 33 नंबर सवाल कहता है, यदि किसी महीने की 8 तारीख को बुधवार है
तो हमको बताना है उसी महीने की 14 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप बोलेंगे 7, 14, 21, 28। इसमें क्या जोड़ेंगे कि हम 14 के करीब पहुंच जाए, तो आप बोलेंगे 7 जोड़ दीजिए, इसमें 7 जोड़ दीजिए 8 में, तो 15 तारीख ये बुधवार हो गया। जब 15 तारीख बुधवार हो गया तो 14 तारीख आपका मंगलवार होना ही होना है, बस यही आंसर हो गया और कुछ करना नहीं। अगला आइएगा, अगला सवाल है 54 नंबर। 54 नंबर सवाल है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज को हम काउंट कर लेते 1 2, और 1 2 लिखने के बाद एक और है 3 भी है, बस ये जो डिजिट लिखे हैं बस इसको जोड़ दिए, जो डिजिट लिखने के बाद जोड़िएगा 3 2 5 1 6, बस ये 6 त्रिभुज बनेगा और कुछ करना नहीं, सिर्फ काउंट करके लिख लेना है, सभी को जोड़ लेना है, आपका आंसर बन जाएगा। 35 नंबर आइएगा, 35 नंबर सवाल देखिएगा आप कि कैसे बनाना है 35 नंबर सवाल को। सवाल कहता है, यदि किसी बहुभुज के अंतः कोण का मान 150 है तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। अंतः कोण का मान 150 है, भुजा की संख्या यानी n बराबर सूत्र होता है, भुजा की संख्या बराबर होता है 360 / बाह्य कोण, तो अंतः कोण आपका हो गया 150। और हम बताते हैं कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अंतः कोण 150 तो बाह्य कोण आपका कितना 30, तो बाह्य कोण 30 हो गया, 360 / 30 कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 12, यही 12 भुजा की संख्या हो जाएगा। अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, ये पता होना चाहिए। अगला सवाल है, यदि किसी बहुभुज के बाह्य कोण का मान 120 है तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगा। तो बाह्य कोण का मान 120 है, 36 नंबर सवाल देखेंगे, बाह्य कोण का मान 120 है तो भुजा की संख्या बस 360 / 120 कर लेते हैं, भुजा की संख्या कितना हो गया 3, आंसर हो गया और कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान से देखते रहना है, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। 37 नंबर 37 नंबर सवाल आइएगा, देखिएगा 37 नंबर सवाल आपको कैसे बनाना है। 37 नंबर सवाल बोलता है, यहाँ पर 7, 5 और 35, यहाँ पर 8, 5 और 40, और आगे आपका है यहाँ पर बनाना है 9, 5 और 8, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। 7, 5, 35 इसको लिख दिया, 8, 5, 40 यहाँ पर लिख दिया, 9, 5, 45 यहाँ पर 45 लिखना पड़ेगा और कुछ करना नहीं, आंसर हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर 38, यहाँ पर है 5 और 4, 18, यहाँ पर आपका है 7 और 3, 42, एक आगे है 6 और 3, 8। देखिए 5, 4, 9, 9, 2, 18 जोड़ के 2 गुना कर दिया, 7, 21, 21, 2, 42, 6, 3, 9, 9, 2, 18, इसलिए 18 आंसर हो गए और कुछ करना नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, और रात्रि के 8:30 आपसे मिलते हैं, और जितने भी स्टूडेंट हो सके चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और सारे स्टूडेंट से निवेदन है कि वीडियो आप देखिए और मेहनत कीजिए और नौकरी लीजिए और कुछ करना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, लेकिन रात्रि के 8:30 सभी को लाइव आना है, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को लाइव आना है। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।